नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मध्य प्रदेश भिंड से है। विद्युत विभाग के इंजीनियर के साथ हुई मारपीट, आईटीआई जोन इंजीनियर पर हुई एफआईआर की जांच की मांगों को लेकर दो दिन से धरना प्रदर्शन। जानकारी अनुसार महगांव जोन में हुई इंजीनियर के साथ नकाबपोश द्वारा मारपीट की घटना में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही आज तक पुलिस द्वारा नहीं की गई। भिंड शहर के आईटीआई जोन में पदस्थ इंजीनियर नरेंद्र तरवारिया के साथ हुई दोषपूर्ण कार्यवाही से विभाग के अधिकारियों में रोष व्याप्त है। नरेंद्र तरवारिया पर हुई एफआईआर की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कराई जाए, साथ ही दोषी पुलिस कर्मचारियों पर हो कार्यवाही, इसकी मांगों को लेकर विद्युत विभाग के इंजीनियरों, सब इंजीनियरों, मीटर रीडर, लाइटमैन आदि लेखा जोखा करने वाले कर्मचारी धरने पर बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी जिला प्रशासन को दे रहे हैं। दो दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। मांग की थी कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठकर कार्यकाल बंद करने की बात की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। बताएं, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं और कब तक चलेगा ये धरना? देखिए सर, आज ये जो सांकेतिक धरना है, भिंड जिले के सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी आज यहाँ एकत्र हैं। हमारी बिजली व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर जो असंतुष्टि है वो हमारे जिला प्रशासन से, हमारी जो मांग है, हमारी सिर्फ दो मांगे, एक हमारे सहायक यंत्री श्री नरेंद्र सिंह तरवरिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र बना करके जो इनके ऊपर गलत रूप से एफआईआर की गई है, जो जाति इनके ऊपर किया गया, उसकी एसआईटी का गठन करिए, जांच कराइए और दोषी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में ये घटना का पुनरावृत्ति न हो सके। दूसरी मांग, महगांव में पदस्थ जेई श्री नीरज मल्होत्रा, जिनके ऊपर 5:30 बजे मुंह बांध करके षड्यंत्र बना करके 4-5 लोगों के द्वारा जिस प्रकार से लाठी डंडों से मारना पीटना, ये बड़ा ही एक सभ्य समाज के लिए बड़ा ही दुखद है। वो एफआईआर लॉन्च करने के बावजूद भी दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सिर्फ हमारी दो मांगे। ऐसा जिला प्रशासन तत्काल रूप से करे। अभी तो साहब हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, फिर जब हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी फिर हम इसको कड़े रूप में ले जाएंगे, फिर साहब सबको तकलीफ होगी। हम तकलीफ नहीं देना चाहते, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हम बिजली अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांगे हैं जिला प्रशासन से कि हमारी दो मांगों पे गहनता से जांच कराई जाए, अध्ययन किया जाए और सही रूप से कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। कुल कितने कर्मचारी कुल कितने कर्मचारी कब तक धरने पर? सर, जितने भी भिंड जिले में 400 से 450 कर्मचारी हैं सर, सभी लोग अभी तो हम अपनी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं सर कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर हम इसको कड़े रूप में लेके चलेंगे, फिर तकलीफ होगी सर, आपको भी और हमें भी। किस लेवल के अधिकारी हैं सर इसमें? उप महाप्रबंधक से लेके, जेई से लेके हमारा निचला पायदान, लाइन हेल्पर, सहायक, सभी लोग इसमें शामिल है। पूरा बिजली घर है। पूरे जिले के हैं या पूरे भिंड जिले के हैं? अन्य जिले भी, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये चीजें और भी आगे बढ़ेंगे। मांगे नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे नहीं होगी तो सर हम फिर वास्तव में अपना कार्य का बहिष्कार करेंगे। आगे किस तरह का बहिष्कार रहेगा? ये धरना तो आपका दो दिन से चल रहा है। ये धरना सर हमारा दो दिन चल रहा है। हमें विश्वास है अपने जिला प्रशासन में कि वो न्याय देंगे, हमें उनमें विश्वास है, हमें अपने प्रशासन में विश्वास है। हम चाहते हैं कि इस पे उचित कार्रवाई हो, हमें विश्वास है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। जी, शुभ नाम सर? मेरा नाम गोपाल दुबे है, बतौर जूनियर इंजीनियर मैं गोरमी में पदस्थ हूँ। आपको कार्रवाई के लिए बोला गया था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ उनसे? कोई अधिकारी वगैरह अभी आए क्या मिलने के लिए? नहीं, अभी कोई भी हमसे मिलने नहीं आया।